इन दिनों कुदरत का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिल रहा है जिसके आगे हमारी स्मार्ट सिटीज दम तोड़ रही हैं। दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम शहर यूं तो हाईटेक सिटी है, लेकिन पिछले दिनों से स्मार्ट सिटी बदहाल सिटी में तब्दील हो गई है। हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर है। कल गुरुग्राम में समंदर की लहरों से लड़ने वाला एक कैप्टन को गुरुग्राम की सड़कों पर कार के ऊपर बैठकर अपनी जान बचानी पड़ी। आखिर हुआ क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। कार आधे से ज्यादा पानी में डूबी हुई है, कार के भीतर पानी भरा है, कार के स्टेयरिंग तक पानी भरा है, ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स पानी में डूबा हुआ है और कार की पिछली सीट पर बैठा अब कार की छत पर बैठा हुआ है। ये तस्वीरें स्मार्ट सिटी गुरुग्राम की है। कार पानी में नाव की तरह तैर रही है। पिछले तीन दिन से हो रही बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा गुरुग्राम पानी पानी हो गया। ये किसी गली मोहल्ले की तस्वीर नहीं बल्कि गुरुग्राम का NH-48 जहां नरसिंहपुर के पास पूरा हाईवे पानी में डूबा हुआ है। हाईवे पर करीब कमर तक पानी भरा है। इसी बीच एक कैब सड़क पर आए सैलाब के बीच फंस गई और फिर जो कुछ हुआ तस्वीरें खुद ब खुद गवाही दे रही है। कार पानी में डूब गई और कार के भीतर पानी भर गया। कार के भीतर कितना पानी भरा है इसका अंदाजा ड्राइविंग सीट पर बैठे कैब ड्राइवर को देखकर लगाया जा सकता है। कार में पानी भरा तो कार की पिछली सीट पर बैठा शख्स जान बचाने के लिए कार के ऊपर चढ़ गया। ये वो शख्स है जो हवा में भारी भरकम प्लेन उड़ाता है, लेकिन इसे क्या पता था कि एक दिन उसे जमीन पर जल के बीच जंग लड़नी पड़ेगी। इस कैप्टन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि शहर में आए सैलाब के बीच जान बचाने के लिए उसे ये दिन भी देखना पड़ेगा। कैप्टन के चेहरे पर मास्क था। कैप्टन हैरानी भरी नजर से इधर उधर देखता रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जान कैसे बचाई जाए। हालांकि काफी देर बाद स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए और जैसे ही कार को धक्का देना चाहा, कार पानी में तैरने लगी। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कार नहीं कोई कागज का खिलौना हो। आखिरकार किसी तरह से लोग पानी में तैरती कार को संभालते हुए किनारे तक ले आए और कैप्टन को सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन पिछले तीन दिनों से जिस तरह गुरुग्राम सैलाब से जूझ रहा है उससे तो यही लगता है कि शहर का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। आखिर गुरुग्राम में हुई इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है? क्या कुदरत जिम्मेदार है या फिर इंसानी लापरवाही? इस रिपोर्ट में देखिए। गुरुग्राम की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। पिछले तीन दिनों से गुरुग्राम ठप हो गया है। पहले आप ये तीन तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें पिछले तीन दिन में गुरुग्राम में आए सैलाब से बदहाली की गवाही देने के लिए काफी है। 22 सितंबर को पूरा एक्सप्रेसवे पानी में डूब गया, तो वहीं दूसरे दिन 23 सितंबर को अंडरपास में 10 फीट तक पानी जमा हो गया। इसके बाद 24 सितंबर यानी कल कार पानी में तैरने लगी। पिछले तीन दिनों में गुरुग्राम के डूबने की दो वजह सामने आ रही हैं। पहली रिकॉर्ड तोड़ बारिश, दूसरी बद इंतजामी और खराब प्लानिंग। तो चलिए पहले रिकॉर्ड तोड़ बारिश की बात कर लेते हैं। 23 सितंबर को गुरुग्राम में सामान्य बारिश 3 mm होनी चाहिए थी, लेकिन 23 सितंबर को 93 mm बारिश हुई, यानी 2887% ज्यादा बारिश। बारिश ने गुरुग्राम के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। हम आधुनिकता के दौर में तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करते जरूर हैं, लेकिन नियमों की अनदेखी भी कर जाते हैं। तो चलिए गुरुग्राम की बदहाली की दूसरी वजह भी जान लीजिए। गुरुग्राम अरावली की पहाड़ियों के किनारे बसा हुआ है। निर्माण और गुरुग्राम के साइबर सिटी बनने से पहले इसके निचले इलाके में झील तालाब जैसे कई वाटर बॉडीज थी जो शहर के भीतर पानी जमा नहीं होने देती थी।
क्योंकि ये वाटर बॉडी प्राकृतिक जल निकासी यानी नेचुरल ड्रेनेज का काम करती थी, लेकिन शहरीकरण और आधुनिकीकरण ने जल निकासी के ये इंतजाम खत्म कर दिए। 1956 में गुरुग्राम में 460 वाटर बॉडीज थी, जबकि 2018 में सिर्फ 251 वाटर बॉडी बची। गुरुग्राम इकलौता ऐसा शहर नहीं है जहां इस साल बारिश ने लापरवाही की पोल खोली है। इससे पहले बंगलुरु में भी ऐसा मंजर दिख चुका है। लिहाजा शहर की प्लानिंग बनाने वालों के लिए ये एक चेतावनी है कि सरकार भले ही आपकी लापरवाही को अनदेखा कर दे, लेकिन कुदरत उसकी पोल खोल ही देती है। अब आपको यूपी के हापुड़ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां रेलवे के एक अंडरपास में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सितंबर में आसमान से आफत ऐसी बरस रही है कि क्या शहर क्या गांव, हर तरफ एक जैसा मंजर नजर आने लगा है। हापुड़ की ये तस्वीरें देखिए, रेलवे अंडरपास के पास पानी भरा है, तभी एक ट्रैक्टर वहां से गुजरता है। ट्रैक्टर की ट्रॉली पर कई मोटरसाइकिल रखी है और बाइक सवार लोग भी ट्रैक्टर की ट्रॉली पर मौजूद है। दरअसल भारी बारिश की वजह से सादिकपुर रेलवे अंडरपास में पानी भरने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, लिहाजा लोगों ने ट्रैक्टर के सहारे सैलाब को पार किया। पानी को चीरता हुआ बाइक को लेकर ये ट्रैक्टर तो निकल गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां से गुजर रहा दूसरा ट्रैक्टर फंस गया। जब यह ट्रैक्टर वहां पहुंचा तो पानी ज्यादा हो गया था, लिहाजा ट्रैक्टर पानी में घिर गया। आसपास के लोगों ने ट्रैक्टर को फंसा देखा तो मदद के लिए पहुंच गए। किसी तरह काफी मशक्कत के बाद धक्का देकर ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। राजस्थान में भी इन दिनों बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जोधपुर में जगह जगह सड़कें धस गई हैं, जिसमें एक स्कूटी सवार युवक गिर गया। ये तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से बीच सड़क पर गड्ढा हो गया। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन के बाहर की ये तस्वीरें देखिए, एक स्कूटी बीच सड़क पर बने एक गड्ढे में गिरी हुई है। पहले स्कूटी गड्ढे में आधी गिरी नजर आ रही है और थोड़ी देर बाद पूरी स्कूटी ही गड्ढे में समा गई। स्कूटी पर एक बुजुर्ग सवार थे और वो ट्रक के पीछे चल रहे थे। ट्रक जैसे ही आगे निकला और स्कूटी के पहुंचने के बाद अचानक सड़क धस गई, स्कूटी उसमें समा गई। स्थानीय लोगों की मदद से बुजुर्ग को बाहर निकाला गया। आगे की ट्रक जा रही थी, ट्रक के जाने से वो धन गाड़ी जो है ना, जो पीछे पीछे जा रहा था, काफी 4-5 मीटर का फैसला था, इधर जा रहा था, एकदम वो गाड़ी निकली और गाड़ी से वो सड़क धस गई। मैं गया गया था, जो मेरा पीछे वाला अगला वाला ऐसा अंदर चला गया, मैं भी चला गया। प्रशासन की गलती है, पीडब्ल्यू वाले डिपार्टमेंट वालों की गलती है। बुजुर्ग की जान तो बच गई, लेकिन सड़क के निर्माण को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वहीं गोरखपुर में बारिश के बीच नदियों के उफान से नदी किनारे इलाकों में बाढ़ के हालात हो गए हैं। कई परिवार इसकी चपेट में आ गए। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। यूपी में इन दिनों भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से घाघरा और राप्ती नदी उफान पर है। नदी किनारे के इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि करीब 35 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। हम लोग के बहुत कुछ का दिक्कत है। किस तरह की दिक्कत? जैसे खाने पीने को, लैट्रिन बाथरूम को, सब कुछ का दिक्कत है बाढ़ आए हैं तो। प्रशासन का दावा है कि बाढ़ प्रभावित इलाके में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और आगे इन लोगों के इलाके में बाढ़ ना आए, इसके लिए भी प्लानिंग की जा रही है। प्रशासन के निर्देश पर यहाँ राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। गांव-गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं, सड़कों पर भी कैंप लगे हुए हैं, मेडिकल कैंप लगे हैं, जिससे यदि कोई व्यक्ति बीमार है उसको उसी के दरवाजे के आसपास या नजदीक में ही फैसिलिटी अवेलेबल हो सके। मानसून जाते जाते भी लोगों की मुसीबत बढ़ा गया है, ऐसे में अभी कुछ दिन और लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।